दोस्तों, कई बार स्कूल के बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्कूल के क्लासरूम में एक नाबालिग लड़के और लड़की के द्वारा कथित तौर पर विवाह करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि ये वीडियो आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिला स्थित राजमहेंद्रवरम में जूनियर कॉलेज का है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज कर वीडियो में शामिल लड़के और लड़की को काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया है। बताया जाता है कि इस विवाह को अमान्य भी करार दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर रही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्लास के अंदर नाबालिगों का विवाह किसने कराया था। आंध्र प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष वैष्णवी पद्मा ने बताया कि नाबालिग इंटरमीडिएट के छात्र हैं और दोनों साथ पढ़ते हैं। आयोग नाबालिग लड़की को शेल्टर मुहैया कराएगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक लड़के की उम्र 17 साल है और वो अपने साथ मंगलसूत्र लेकर आया था। लड़के ने क्लास के अंदर ही लड़की के गले में मंगलसूत्र को बांध दिया था। उसके बाद लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर लगाया और दोनों ने अपने दोस्तों के सामने तस्वीर भी ली। उसके बाद जब तस्वीर दोस्तों के बीच शेयर हुई तो धीरे धीरे ये वायरल होने लगी। वहीं इस मामले में कॉलेज प्रशासन भी एक्शन में आ गया और लड़के और लड़की को कॉलेज से निकाल दिया गया है। आयोग के चीफ पद्मा ने बताया कि लड़की के परिजनों ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब लड़की को काउंसलिंग के बाद शेल्टर मुहैया कराया जाएगा। वहीं महिला आयोग के सदस्यों ने लड़के के परिजनों से बात करके उसकी भी काउंसलिंग कराने की अपील की है। तो दोस्तों, क्लासरूम में होने वाली इस घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।